ये काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न है और इसको लेके अगर आप सही तरीके से ट्रेड करेंगे तो ये काफी प्रॉफिटेबल पैटर्न है। ये डंडा को देखिए और इसको देखिए, ये कुछ फ्लैग के तरह दिख रहा है, तो फ्लैग दिखने में ऐसा ही होता है, इसलिए इसको फ्लैग पैटर्न कहते हैं। ठीक है, ये डाउ थ्योरी का हिसाब से ये जो फ्लैग पैटर्न के अंदर आपको दिख रहा है ये डाउन ट्रेंड है, लेकिन लार्जर पिक्चर देखेंगे तो ये अप ट्रेंड है। इसके साथ अगर आपको कैंडल एंड वॉल्यूम रीडिंग अच्छे से आता है तो वॉल्यूम आपको बता देगा कि यहाँ पे कौन स्ट्रांग है कौन वीक है। दुनिया में कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है जिसका सक्सेस रेट 100%। हर किसी का एक फेलियर रेट होता है और वो फेलियर रेट के लिए आपको तैयार रहना है कैसे, यानी कि एसएल लगा के। तो आपको एसएल पता है, अब जब फेल होगा तब आपको एसएल में एग्जिट कर जाना चाहिए, क्योंकि इसका फेलियर रेट अगर देखेंगे लगभग 40 ट्रेड्स फेलियर होगा आउट ऑफ 100। तो आउट ऑफ 100 में 40 फेलियर होगा तो आपको 60 में प्रॉफिट होगा, फिर भी आप इसको ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों इसका जो रिस्क रिवॉर्ड जो है ना दोस्तों, ये काफ़ी हाई है। कैसा हाई है मैं आपको बताता हूँ जब मैं टारगेट प्रोजेक्शन आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसका रिस्क रिवॉर्ड इतना ज़्यादा है कि आपका अगर 40 ट्रेड आउट ऑफ 100 लॉस देता है तो भी आप कर सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मान इन्वेस्ट टॉक, दिस योर फ्रेंड आलमगीर। और आज हम इस वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है हाउ टू ट्रेड फ्लैग्स पैटर्न। देखिए, फ्लैग्स पैटर्न यानी कि फ्लैग जो कहा जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैटर्न है और इसको लेके अगर आप सही तरीके से ट्रेड करेंगे तो ये काफ़ी प्रॉफिटेबल पैटर्न है। तो बेसिकली इसके बारे में हम ए टू जेड सीखेंगे, ये इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह होता है, यानी कि ये किस तरह बनता है और इसका क्या क्या कंडीशन होना चाहिए इसको ट्रेड करने के लिए, इसके पीछे यानी कि बनने का पीछे क्या क्या साइकोलॉजी काम करते हैं, बायर एंड सेलर क्या एक्शन लेते हैं जिस बेसिस पे ये पैटर्न बनता है, पर उस एक्शन का बेसिस पे हम अपने लिए क्या कर सकते हैं ताकि हमें कुछ प्रॉफिट हो। ठीक है, इस बेसिस पे हम ट्रेडिंग डिसीजन लेंगे। तो एनीवे चलिए हम देखते हैं किस तरह फ्लैग्स पैटर्न बनता है दोस्तों। तो देखिए, मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट टाइम में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मूवमेंट आता है, तो यहाँ पे मैंने एक एनिमेशन के जरिए एक पैटर्न को दिखाया, क्योंकि ये पैटर्न मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि पिछला एक वीडियो में मैंने एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए एक वीडियो बनाया था जो कि काफ़ी अच्छा वीडियो है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको देख लीजिए। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जब बनता है तब आप इसको इस तरह कुछ रेंज बाउंड मार्केट देखने को मिलेगा। तो ये जो ऊपर का लाइन है इसको रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो बेसिकली रेजिस्टेंस इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि मार्केट जब ऊपर जाने का कोशिश करता है ना तो ये इसको रेजिस्ट करते हैं, मतलब जाने नहीं देता है, और नीचे वाला जो लाइन होता है इसको सपोर्ट कहा जाता है, क्योंकि जब मार्केट नीचे गिरने का कोशिश करते हैं ना तब इसको नीचे गिरने नहीं देता है, मतलब पकड़ के रखते हैं। तो इस तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह काम करते हैं, उस बेसिस पे आप कैसे ट्रेड लेंगे, उस पर इन डिटेल मैंने डिस्कस किया। तो यहाँ पे वो हमारा टॉपिक नहीं है, मैंने बस दिखाया इस तरह, और उसमें एक बॉक्स थ्योरी को भी डिस्कस किया था, जिसका लेफ्ट साइड को तो मैंने क्लोज कर दिया, राइट को भी क्लोज कर दूंगा तो आपको बॉक्स मिल जाएगा। तो मैंने राइट को क्लोज इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी भी पैटर्न कंप्लीट नहीं हुआ। ओके, तो जब इस तरह कंडीशन आपको दिखता है तो इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको कहते हैं रेंज मार्केट, क्योंकि दोनों अपसाइड एंड डाउनसाइड का जो रेंज है ना, उस रेंज का बीच में प्राइस घूम रहा है। तो यहाँ पे हम जो करेंगे तो हम ब्रेकआउट के लिए वेट करते हैं। ठीक है, अब रेंज ब्रेकआउट का बात जब करते हैं तो आप तो कहेंगे कि भाई साहब यहाँ पे तो ऊपर भी एक रेंज है नीचे भी एक रेंज है, तो मैंने ऊपर क्यों दिखा। दोस्तों मेरा इंटेंशन ये नहीं कि केवल ऊपर की तरफ ब्रेक होगा ये दिखाना, मैंने बस दिखाया कि रेंज ब्रेकआउट के लिए हम इंतजार करेंगे। तो ये ब्रेकआउट ऐसा भी हो सकता है कि इस तरह वो ऊपर साइड हो, और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से कुछ घूमने के बाद ये नीचे की तरफ हो। अब अगर आप पूछेंगे कि एक किस तरफ होगा, आई डोंट नो एक किस तरफ होगा, मुझे नहीं पता है, क्योंकि ये किसी को भी नहीं पता है मार्केट किस तरफ रेंज को ब्रेक करेगा। आप एक प्रेडिक्शन कर सकते हो, आप एक प्रोबेबिलिटी का बेसिस पे बात कर सकते हो किस तरफ होगा बेस्ड ऑन प्रीवियस ट्रेंड और प्राइस कैंडल एंड वॉल्यूम एक्शन, मतलब प्राइस एक्शन। तो एनीवे, अब मान लीजिए कि इस तरह जब कंडीशन बनता है तो
ये एक सैंडविच मार्केट में जब किसी एक तरफ ब्रेकआउट होता है ना, कभी कभी बहुत ज्यादा शार्डन मूवमेंट आता है, और बहुत ज्यादा शार्प मूवमेंट जब आता है तब आपको कुछ इस तरह दिखेगा। कुछ मूवमेंट तो नेचुरल मूवमेंट होता है, मतलब थोड़ी ऊपर जाएगा और थोड़ी नीचे आएगा, लेकिन जब इस तरह शार्प मोमेंटम आएगा मार्केट में, कोई भी कारण से आ सकते हैं। अब मैं अगर कहूँ कि नेचुरल मोमेंटम क्या है दोस्तों, तो नेचुरल मोमेंटम ये होता है कि ये थोड़ी ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। ये होता है कि नेचुरल मूवमेंट, ठीक है, ये याद रखिएगा, क्योंकि आज का जो डिस्कशन है ना, इसके साथ काफ़ी मतलब लेना देना इसका है। तो ये नेचुरल मूवमेंट में आपको पता है कि डाओ थ्योरी क्लीन कट फॉलो करते हैं, लेकिन जब इस तरह कुछ शार्प मोमेंटम आएगा, दोनों टर्म को आप ध्यान दीजिए। एक शार्प मतलब क्या, बहुत शार्डन मतलब विद इन वेरी शॉर्ट टाइम ह्यूज रैली, और मोमेंटम मतलब क्या, कितना जल्दी वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह जब बहुत ज्यादा शार्प मोमेंटम करता है तो इसका पीछे क्या क्या कारण हो सकता है दोस्तों, प्राइमरी कारण ये होता है कि फंडामेंटल कुछ रीजन होता है। मान लीजिए ऐसा कुछ प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया कंपनी ने, या कि वो जो रिसर्च कर रहा था, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक फार्मा कंपनी कैंसर के ऊपर रिसर्च कर रहा था, काफ़ी दिन से कर रहा है, और उसको सक्सेस मिलने का बहुत पास आ गया, तो क्या होता है, लोग सब लोग चाहते हैं कि उसको हम खरीद लें। जैसे कि कोविड का टाइम आपको दिखा था कि जो भी कंपनी कोविड का वैक्सीन बनाने में सफल हुआ था उसका प्राइस बहुत शार्डन मूव कर रहा था। तो इस तरह कुछ फंडामेंटल में जब बहुत बड़ा चेंजेस होता है तब इस तरह मोमेंटम आता है। दूसरा मान लीजिए कि कंपनी का सेल्स इतना ज़्यादा ग्रोथ हो गया, बड़ा डील मिल गया, ऐसा कुछ होता है। तो एनीवे बात यह है कि कुछ फंडामेंटल कारण होता है इस तरह मार्केट में शार्डन मोमेंटम आने का पीछे। तो जब ये चीज होता है तो होने के बाद क्या होता है दोस्तों, उसको मैं डिस्कस करने से पहले आपको यहाँ पे देखा देता हूँ कि इस तरह ये जो मार्केट नीड्स सम ब्रेथ, मतलब मार्केट को थोड़ी सांस लेने का जरूरत है, क्योंकि मार्केट इतना ज्यादा तेज भागा, जब आप बहुत ज्यादा तेज भागेंगे तो आप ज्यादा दूर तक लंबा समय तक नहीं भाग पाएंगे। अब बहुत कुछ टाइम तो भाग लेंगे, उसके बाद आपको थोड़ी रेस्ट लेना है ना, तो मार्केट को भी रेस्ट का जरूरत होता है, मार्केट को सांस लेने का जरूरत होता है, इट नीड्स ब्रीदिंग सम ब्रीथ, ओके, फ्रेश एयर। तो ये किस तरह होता है दोस्तों, तो ये तभी होता है जब यहाँ पे देखिए ये रेंज को ब्रेक किया और इसको बॉक्स को कंप्लीट कर दिया, तब इस तरह मोमेंटम आया, और इसके बाद इसको सांस लेने का जरूरत है। तो बेसिकली वो सांस किस तरह लेता है यहाँ पे देखिए, ये जो आपको पैटर्न दिख रहा है ना दोस्तों, वो धीरे धीरे छोटी छोटी मूवमेंट के अंदर चल रहा है, मतलब थोड़ी सी पुल बैक आया, थोड़ी सी अपसाइड गया, थोड़ी सी पुल बैक आया, थोड़ी सी अपसाइड गया। लेकिन आपको ये चीज दिखेगा कि पहला जैसा शार्प मोमेंटम आया था उस तरह यहाँ पे ऐसा शार्प मोमेंटम नहीं है, बहुत माइल्ड, मतलब स्विंग हाई स्विंग लो वो बना रहा है। और इस तरह जब पैटर्न बनता है ना, तो आप मान लीजिए यहाँ पे जो होता है उसका पीछे अलग ही साइकोलॉजी काम करते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल जो मार्केट में ट्रेंड है, तो इसको कहते हैं कि फ्लैग पैटर्न। तो इसको इसका भी एक सपोर्ट मिलेगा, एक रेजिस्टेंस मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर आप अप साइड का लाइन देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस के तरह काम करेगा, नीचे का लाइन देखेंगे तो ये सपोर्ट के तरह काम करेगा, ठीक है। और ये दोनों का बीच में जो प्राइस एक्शन है इसको कहते हैं फ्लैग पैटर्न। क्यों दोस्तों, इसको फ्लैग कहने का क्या मतलब है, ये डंडा को देखिए और इसको देखिए, ये कुछ फ्लैग के तरह दिख रहा है, तो फ्लैग दिखने में ऐसा ही होता है, इसलिए इसको फ्लैग पैटर्न कहते हैं, ठीक है। उसका पीछे बाकी कुछ कारण नहीं है। तो ये फ्लैग पैटर्न जब बनता है दोस्तों, तब क्या होता है, इट प्रीसीडेड बाय वेरी स्टीप एडवांस। मतलब क्या, मैंने फिलहाल जो बताया, ये जो शार्प मोमेंटम जो आता है, ये शार्प मोमेंटम को कहा जा रहा है कि वेरी स्टीप एडवांस, मतलब बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम में सीधा ऊपर चला गया, मतलब बहुत छोटी एंगल में वो मूव कर गया, ठीक है। तो जब इस तरह कहानी बनता है तब क्या होता है मार्केट में, अब देखिए, इट प्रीसीडेड बाय वेरी स्टीप एडवांस। अब इस तरह एडवांसमेंट के बाद क्या होता है दोस्तों, आपको तो ऐसा लगेगा कि ये तो डाउन ट्रेंड है, क्योंकि आप अगर याद करेंगे मैंने आपको डाओ थ्योरी सिखाया था। अब मैंने डाओ थ्योरी में जो बोला था कि लोअर लो एंड
लोअर हाई जब बनता है, धीरे धीरे प्राइस जब नीचे आता है तो ये डाउन ट्रेंड है। तो आपको इजीली लगेगा कि ये डाउन ट्रेंड है, लेकिन आप अगर लार्जर पिक्चर देखेंगे तो ये अप ट्रेंड में है। ठीक है, ये अप ट्रेंड में है, तो आप अभी किसको फॉलो करेंगे दोस्तों, ये है दिक्कत। तो इसलिए आपको यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि दिस इज रिलायबल कंटिन्यूशन पैटर्न। यहाँ पे मैंने पैटर्न लिखने में गलत कर दिया, तो आप यहाँ पे एन लिख लीजिए, समझ लीजिएगा ये पैटर्न है। ओके, तो ये आपका ये होता है कि ये रिलायबल कंटिन्यूशन पैटर्न। तो मैंने जैसा कि कहा कि डाउ थ्योरी का हिसाब से ये जो फ्लैग पैटर्न के अंदर आपको दिख रहा है ये डाउन ट्रेंड है, लेकिन लार्जर पिक्चर देखेंगे तो ये अप ट्रेंड है। इसके साथ अगर आपको कैंडल एंड वॉल्यूम रीडिंग अच्छे से आता है तो वॉल्यूम आपको बता देगा कि यहाँ पे कौन स्ट्रांग है कौन वीक है। तो इस तरह पैटर्न जब भी आप दिखेगा और ये जो क्राइटेरिया आपको मैच होगा, तो कभी भी आप ऐसा मत सोचिए यहाँ पे आप शॉर्ट मत कर दीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप लॉन्ग करना है आपको। आपको अगर ना मन करे तो मत कीजिए, लेकिन शॉर्ट बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि इस तरह शार्प मोमेंटम अगर हाई वॉल्यूम में आया तो जो लोग बाय किए वो वीक प्लेयर नहीं है, ये मैं साइकोलॉजी बता रहा हूँ, वो अभी भी यहाँ पे बाय करने के लिए आ सकते। अगर आया और दूसरा मोमेंटम आ गया तो आप अगर शॉर्ट कर दिए तो आपको बड़ा लॉस हो सकता है। तो इस तरह मार्केट में कभी भी शॉर्ट मत कीजिए जब तक लार्जर स्केल टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड कन्फर्म नहीं होता है। ओके, तो अभी देखते इसके बाद हमारा क्या है। तो इस तरह मोमेंटम जब अप साइड ब्रेकआउट होता है दोस्तों, तब सेकेंड लेग का शुरुआत होता है। यानी कि ये जो शार्प मोमेंटम आया था, ये था हमारा फर्स्ट रैली और ये सेकेंड रैली। तो फ्लैग पैटर्न का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होता है कि इस तरह ये ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर आप फ्लैग पैटर्न का दोनों तरफ को क्लोज कर देंगे ना इस तरह, तो इट रिजेंबल्स समथिंग लाइक पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम इसी को कहते हैं कि जो चार बाहु द्वारा मतलब क्लोज जो पैटर्न आपको दिख रहा है, ये एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न है, उसमें मत ज़्यादा मत ध्यान दीजिए, इसको बस ज्योमेट्रिकली प्रेजेंट करने का तरीका है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बताऊँ कि आप क्या करेंगे, इस पे अभी ट्रेड करना जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम इसको सीख लिए और उसमें हमारा काम हो गया। तो बेसिकली इस पे अगर आप ट्रेड करना चाहते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नॉट शॉर्ट, आप कभी भी इसको शॉर्ट मत कर दीजिए जब आपको फ्लैग पैटर्न दिखेगा, क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि मार्केट थोड़ी सी टाइम के लिए सांस लेने के लिए रुका है, ताकि इससे पहले वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट किया और वो थक गए, तो उसको रेस्ट का जरूरत है, वो रेस्ट ले रहा है। फिर दोबारा अगर वो चलने लगा तो आपको नुकसान हो सकता है, तो आप शॉर्ट मत कीजिए। अभी आप क्या करेंगे, आप एंट्री ले सकते हो इस पॉइंट पे, कहीं पे भी आप एंट्री लीजिए, लेकिन एंट्री का रूल ये है कि फ्लैग पैटर्न का जो अप साइड जो लाइन है, यानी कि रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस ब्रेक पे आप एंट्री लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एंट्री आपको पता चल गया। अब यहाँ पे तो एंट्री ले लिए, लेकिन दोस्तों स्टॉप लॉस कहाँ, बिना स्टॉप लॉस में तो हम एंट्री नहीं लेते, तो इसलिए जो प्रीवियस स्विंग लो है यहाँ पे आप एसएल लगा दीजिए। तो आपको एसएल पता चल गया, आपको एंट्री पता चल गया, तो आपको दो चीज पता चला। अभी आपको थर्ड चीज पता करना है कि इसका टारगेट क्या होगा, मैं थोड़ी देर बाद इसका टारगेट के बारे में आपको बताता हूँ। फिलहाल आप यहाँ पे देख लीजिए कि स्टॉप लॉस एंड एंट्री आपको पता चल गया, और कभी कभी मैंने आपको यहाँ पे अप साइड ब्रेकआउट दिया, तो कभी कभी ये क्या होगा, डाउन साइड भी ब्रेक कर सकता है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, ये रेयर इवेंट होगा, ये ऐसा हमेशा होगा या ज़्यादा टाइम होगा, ऐसा नहीं है। जब होगा ये ट्रेंड रिवर्सल में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि आप अगर जानते हो, मैंने काफ़ी सारा वीडियो में भी बताया, दुनिया में कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है जिसका सक्सेस रेट 100%, हर किसी का एक फेलियर रेट होता है, और वो फेलियर रेट के लिए आपको तैयार रहना है कैसे, यानी कि एसएल लगा के। तो आपको एसएल पता है, अब जब फेल होगा तब आपको एसएल में एग्जिट कर जाना चाहिए, क्योंकि इसका फेलियर रेट अगर देखेंगे लगभग 40 ट्रेड्स फेलियर होगा आउट ऑफ 100, तो आउट ऑफ 100 में 40 फेलियर होगा तो आपको 60 में प्रॉफिट होगा, फिर भी आप इसको ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों इसका जो रिस्क रिवॉर्ड जो है ना दोस्तों, ये काफ़ी हाई है। कैसा हाई है मैं आपको बताता हूँ जब मैं टारगेट प्रोजेक्शन आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसका रिस्क रिवॉर्ड इतना ज़्यादा है कि आपका अगर 40 ट्रेड आउट ऑफ 100 लॉस देता है तो भी आप कर सकते हो,
क्योंकि यहाँ पे याद रखिएगा, मान लीजिए आप ये टॉप पे एंट्री की हो तो आपका ए जो हो गया रेंज, ये हो गया आपका ए सेल, एक कितना होगा 5% से 10% कुछ होगा, 7% बिलो 10% फॉर श्योर। ठीक है, जब बिलो 10% आपका ये स्टॉप लॉस होता है और रेयरली आपका ट्रेंड रिवर्सल होता है, स्टिल आप कर सकते हो, क्योंकि जब इतना क्राइटेरिया मैच होगा यानी कि मार्केट में बहुत ज़्यादा शार्प मोमेंटम आएगा, उसके बाद एक फ्लैग पैटर्न जो ब्रीदिंग स्टेट आएगा, स्टीप एडवांस तो होना ही चाहिए, नहीं तो अगर नहीं है तब आप क्या करेंगे दोस्तों, तब आपको आप साइड में ट्रेंड लेने का जरूरत नहीं है, मतलब ट्रेड लेने का जरूरत नहीं है। अगर आपको इस तरह पैटर्न दिख रहा है लेकिन ये मोमेंटम नहीं है पीछे, ये पैटर्न का पीछे फ्लैग तो बन रहा है लेकिन फ्लैग का पीछे ये डांडा नहीं है, तो आप ट्रेड मत कीजिए क्योंकि आपका क्राइटेरिया मैच नहीं होता है। लेकिन जब मैच होगा तब आप आराम से ट्रेड कीजिए, और कुछ फेल भी होगा उसके लिए आपको स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो अभी टारगेट क्या होगा दोस्तों, क्योंकि मैंने कहा रिस्क एंड रिवॉर्ड काफ़ी हाई है, मतलब रिवॉर्ड काफ़ी हाई है कंपेयर टू रिस्क। रिस्क होगा अराउंड 5-6%। अब रिवॉर्ड के लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप टारगेट को प्रोजेक्शन करने का एक तरीका है। देखिए हर पैटर्न का अलग अलग टारगेट का मतलब तरीका होता है, ऐसा नहीं कि आप हेड एंड शोल्डर में जो टारगेट रख रहे हो, फ्लैग में भी वही रख रहे हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस में भी वही रख रहे हो, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। इसीलिए हम अलग अलग पैटर्न को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि टारगेट को प्रोजेक्ट करने का जो तरीका है दोस्तों, अगर आपको याद होगा मैंने असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न लेके डिस्कस किया था टारगेट का प्रोजेक्शन किस तरह करते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको देख लीजिए अगर आप नहीं देखे हो। तो इस केस में अब देखिए ये जो रेंज मार्केट है जहाँ से ब्रेक करके स्टीप मोमेंटम आया, उससे पहले का जो लाइन है ना, इस लाइन से लेके ये जो मोमेंटम का जो टॉप है यानी कि टारगेट प्रोजेक्शन का जो मैंने लाइन खींचा, ये दोनों का बीच में आप डिस्टेंस को नाप लीजिए इन टर्म्स ऑफ प्राइस, मतलब कितना रुपया का या कितना डॉलर का, कितना टाका का ये डिफरेंस है। जो भी है आप जहाँ पे भी मार्केट में काम करते हो, अब चाहे बांग्लादेश में करो, पाकिस्तान में करो, इंडिया में करो, आप US में करो, यूरोप में करो, इट डज नॉट मैटर, इट वर्क्स एवरीवेयर इक्वली। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए आप ये दोनों का बीच में ये डिस्टेंस को आप देख लीजिए, जो मिला आपको जो डिस्टेंस मिला वो सेम डिस्टेंस आपका एंट्री पॉइंट से यानी कि जहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट पॉइंट से आप प्रोजेक्ट कर दीजिए, उतना तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अभी देखिए दोस्तों आपको यहाँ से यहाँ का स्टॉप लॉस, ठीक है, ये जो लेंथ है इतना लेंथ में ये हमारा रिस्क है, रिस्क का हिसाब से मैं अगर इसको डिवाइड करूँ तो कितना रिवॉर्ड है दोस्तों, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है 1, 2, 3, 4, 5, मतलब आपका अगर एक टका का रिस्क है तो 5 रुपया का आपका रिवॉर्ड है। तो इसको आप जो अगर ट्रेड करेंगे तो एक प्रॉफिट आपका 5 लॉस ले सकता है। आपको समझ में आ रहा है क्यों मैं कह रहा हूँ कि रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड ये जो रेशियो है काफ़ी ऊँचा है, तो इसलिए दोस्तों इसका लो सक्सेस रेट के साथ भी आप ट्रेड ले सकते हो। अगर आपको ऐसा ना हो कि मान लीजिए 10 ट्रेड में अगर आपका 6 के 6 भी गलत होता है, स्टिल आप पैसा गंवाएंगे नहीं, हो सकता है कि आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है लेकिन आप लूज नहीं करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हमने क्या क्या सीखा, एक तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का रेंज ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे जो शार्प मोमेंटम आता है, आप यहाँ पे एक एंट्री लेके ट्रेड कर सकते हो छोटा स्टॉप लॉस लगा के, तो आपको ये मोमेंटम कैच करने को मिल जाएगा। उसके बाद जब ये हमारा क्राइटेरिया मैच होता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा शार्प रैली आया, उसके बाद मार्केट थोड़ी रेस्ट ले रहा है, मतलब ब्रीदिंग स्टेट में है, तो हम इस फ्लैग पैटर्न में मतलब सेकेंड चांस ले सकते हैं, क्योंकि आप अगर यहाँ पे मिस कर गए हो तो आपको यहाँ पे और एक चांस दे रहा है, आप अगर यहाँ पे भी मिस कर गए हो तो दोबारा और किसी स्टॉक में देखिए, इंडेक्स में देखिए, जहाँ पे भी मिलेगा आप वहाँ पे ट्रेड लीजिए। लेकिन ये काफ़ी एक रिलायबल कंटिन्यूएशन पैटर्न है, इसका ऑफकोर्स एक फेलियर रेट है बाकी के तरह ही, तो लेकिन वो रेयर है, जब फेलियर होगा तब आपके लिए स्टॉप लॉस पता है, आपको इसमें कहाँ एंट्री लेना है वो भी आपको पता है, और बड़ी बात कि आपका टारगेट कितना होगा लगभग स्टैटिस्टिकली कितना आप उम्मीद कर सकते हो, क्योंकि ऐसा नहीं कि उल्टा पुल्टा कुछ भी हम एक्सपेक्ट करके बैठे हैं।
तो आपका एक प्रॉपर टारगेट प्रोजेक्शन हो गया और आपको रिस्क रिवॉर्ड एटलीस्ट 1:5 में मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह अगर आप ट्रेड करेंगे तो ये आपके लिए अपने आप एक ट्रेडिंग सिस्टम है दोस्तों। तो इस सिस्टम को आप बैक टेस्ट कीजिए, बैक टेस्ट करके देखिए कि किस तरह ये बनता है, प्रॉफिट होता है या नुकसान होता है। अगर आप बैक टेस्ट में प्रॉफिट दिखा पा रहा है तो आप इस पे ट्रेड कर सकते हो, बट माय सजेशन इज स्टार्ट विथ स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है दोस्तों, जब आप प्रॉफिट कर पाएंगे बिल्कुल आप उसमें स्केल अप कर सकते हो, बड़ा प्रॉफिट भी कर सकते हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें जो जो सिखाने का मैंने कोशिश किया, एंट्री एग्जिट इसका कंडीशन स्टॉप लॉस टारगेट, आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।